वह नहीं, देखिए ऐसा है कि परेशानी ये है कि और कोई वजह नहीं है, क्योंकि मोदी जी की शख्सियत ऐसी है कि चाहे गुजरात में रही हो चाहे हिंदुस्तान में जब रहे हो, तब तक वो एकाधिकार करके अपने स्टाइल से चुनाव सरकार चलाते हैं। उन्होंने बैसाखियों की सरकार चलाई नहीं है, गठबंधन की सरकार चलाई नहीं है, और गठबंधन किससे? नीतीश कुमार जी की पार्टी से, जो इनके रहते हुए 2014 से लेकर 2024 तक 8 बार गोल गोल घूम चुके हैं। और दूसरी तरफ TDP जिन्हें अभी चुनाव में बोला है कि 4% जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देंगे धर्म के आधार से, पूछिए सिद्धार्थ यादव जी से राजी है कि नहीं है। अगर नहीं राजी है तो बता दीजिए अभी TDP को। अभी बता रहे थे स्पीकर चाहिए था, फिर स्पीकर नहीं मिला। तो आप अपने अंदर देखिए क्या परेशानियां हैं। हम सबको पता है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, और 25 दिन हुए अभी सरकार को, सरकार की स्टेबिलिटी में सवाल उठा हुआ है। आज हालात ये है कि सदन स्थगित करना पड़ रहा है, और आप सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सर सदन स्थगित तो वो ये कह रहे हैं, सर जब बीजेपी के नेताओं से हम बात करते हैं, एनडीए के नेताओं से बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं सदन हमें स्थगित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके सांसद सदन चलने नहीं दे रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि जनता के मुद्दे उठे, वो चाहते नहीं है कि जनता की बात हो। 6 महीने से ऊपर इनकी उम्र नहीं है सरकार की। अच्छा, ये सरकार 6 महीने के ऊपर नहीं चल सकती है, बुरी तरीके से हारे हुए है, देश के जनमत को ये समझने को तैयार नहीं है, और 6 महीने से ज्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। आशुतोष जी इस आरोप पे भी बोलिएगा ना, फिर वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं चाहते हैं, आपकी मंशा नहीं है कि सदन चले, आप मुद्दे उठा के ले आते हैं, हम नीट पर बात करने को तैयार हैं, शिक्षा मंत्री उस पर बोलेंगे, आप उसको उस पर भी सहमति नहीं दे रहे हैं, आप उस पर भी शांत नहीं बैठे हैं, आपको सरकार से जवाब देता, सरकार तैयार जवाब देने के लिए। आपको भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी की दिवंगत नेता अरुण जेटली ने कहा था संसद में खड़े होके कि सरकार और सदन चलाने का काम सरकार के कानून मंत्री, सरकार के मंत्रियों का है, सरकार का है, विपक्ष का काम है उसमें अपनी बात रखना और उसको रोकना। और यही हाल सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था। तो क्या किरण रिजिजू जी खाली साइलेंट मिनिस्टर बैठे हुए हैं? अर्जुन मेघवाल जी ऐसे ही मिनिस्टर बना दिए? अरे संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, सरकार चलाना इनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी नीट पे बात हो? अच्छा। सारे के सारे घोटालेबाज उसी में बैठे हुए हैं, एनटीए का चीफ आरएसएस से आता है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी तो भाग रही है नीट से। फिर सर मैं फिर वही बात कहूंगी कि अगर आप नीट पर भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, नेता पर सवाल उठाएंगे, तो आपको बिहार में भी देखना पड़ेगा, आपको झारखंड भी देखना पड़ेगा, आपको उस पर भी सवाल उठाने पड़ेंगे। आप उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? अगर आप इनके तरफ उंगली उठाएंगे तो आपकी तरफ भी उंगली उठेगी। सरकार नहीं चला पा रहे हैं आप 25 दिन के अंदर, सदन नहीं चला पा रहे, आप कहां रखेंगे? अच्छा सिद्धार्थ यादव, देखिए अनामिका जी मैं कहता हूँ जो अभी 6 महीने की सरकार है, 6 महीने की सरकार है, इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके रख लीजिए, क्योंकि यही वो चेहरे थे जो पहले कहा करते थे इस बार इनकी सरकार बनेगी ही नहीं, ये तो 100 सीटों से कम में आ जाएंगे, हमें जब बहुमत मिल गया तो कहते थे मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, देखा ये शपथ नहीं लेंगे, फिर ये कहते थे इनकी सरकार नहीं बनने जा रही, ये तो अलायंस ही नहीं आएगा, शपथ हो गई, मंत्रिमंडल हो गया, सदन शुरुआत हो गई, सब कुछ हो चुका, अब ये आ गए कि 6 महीने की सरकार है, 6 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, अरे आप ये सपने लेते रहिए। रही बात सदन के चलने की और नीट के विषय पे, देश का युवा जानता है कि जब आपको घंटों का अवसर था राष्ट्रपति के अभिभाषण में राहुल गांधी को जवाब देने का, और उनको कहा गया कि आपको अपने अवसर पर नीट पर जो बोलना हो 1 घंटा लेकर के अतिरिक्त भी 2 मिनट बोलिएगा, अतिरिक्त समय भी लेकर के बोलिएगा, लेकिन वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, ये भी बोलिए करने का काम, पूरी बात बोलिए, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो बवाल चाहते हैं, बोला वो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस चाहते हैं, वो नीट पर चर्चा नहीं चाहते, ये आप लोगों की सच्चाई है। इसीलिए आप लोग जब जब एक्सपोज होंगे तब तब आप अपने ये इंजेक्शन एक दूसरे को देते रहेंगे, आपको आपके इंजेक्शन मुबारक है। विशाल जी के पास जा रही हूँ, विशाल जी की मुझे लगता है आवाज अगर ठीक हो गई और साफ आवाज मेरे तक आए। विशाल जी, आशुतोष जी कह रहे हैं, वरुण जी भी कह रहे हैं और संजय जी भी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले, सरकार नहीं चाहती है कि जनता के मुद्दे उठें, आपने संसदीय कार्य मंत्री बनाया है, जिम्मेदारी उनकी है, सदन वो चलाएं, लेकिन पूरे हफ्ते हमने देखा है कितना हंगामा हुआ है, शुरुआती दिन ही संविधान के प्रति लेकर पहुंच गया, उसके बाद नीट पर भी हंगामा, शपथ के दौरान भी नीट पर नारेबाजी हो रही थी सदन के भीतर। विशाल मिश्रा, उसमें क्या परेशानी है? संविधान के प्रति ले जाना क्या गुनाह है? सर मैंने ये नहीं कहा संविधान की प्रतियां लेकर खड़े होना गलत है, मैंने कहा सदन के पहले दिन 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, संविधान कम से कम पहले दिन सदन को शांति से चलने देते,
मैंने कहीं नहीं कहा संविधान की प्रतियां लेकर खड़े होना गलत है। मैंने कहा पहला दिन था, आप नहीं चाहते 18वीं लोकसभा का पहला दिन था, क्या नहीं लगता है कि आपकी सामंजस्य से आप गलत तरीके से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा कहना है कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके सांसदों की जिम्मेदारी नहीं है कि 18वीं लोकसभा के पहले दिन को अच्छे से चलने दें, सदन को अच्छे से चलने दें। ये आपके सांसदों की जिम्मेदारी है सर, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान के प्रति। लीजिए सर, ये संविधान की सर ये आपका काम है, संविधान को ऊपर रखिए, संविधान को ऊपर रखिए, ये आपका काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जय संविधान, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मैं बार बार आपसे कहूंगी मेरा काम है सिर्फ ये पूछना आपसे कि संसद के पहले दिन को सही से क्यों नहीं चलने दिया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर आप पहला दिन ढंग से नहीं चलने देंगे तो कैसे पूरा सत्र चलेगा। सरकार से पूछिए, वरुण जी आ रही है, रुकिए, विशाल मिश्रा पूछिए, आशुतोष जी आ रहे हैं, रुकिए रुकिए, विशाल मिश्रा संसदीय कार्य मंत्री क्या करने के लिए बैठे हैं। तो विशाल जी बता रहे हैं ना, आपकी बात का जवाब विशाल मिश्रा दे रहे हैं, पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार, कहिए विशाल जी। मान्यवर, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, और दूसरी तरफ उसी संविधान के अंतर्गत जो सदन है, उस सदन की अपनी जो नियमावली है, सदन के अपने जो नियम हैं, जो प्रावधान हैं, उनके तहत आप चर्चा में भाग नहीं लेंगे। आपको नींद पर चर्चा करने से किसी ने रोका, लेकिन आप सदन से आप इस प्रकार का अवरोध खड़ा करने का क्या उचित था? बिल्कुल चर्चा करिए, सरकार से सवाल पूछिए, लेकिन सरकार सदन में ही तो रहकर पूछेंगे, आप मुझे बताइए ना। तो आप अपनी जवाबदेही, आप अपनी अपने जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? एक तरफ तो आप अपने आप को प्रतिपक्ष में होने का घमंड नहीं कर रहे हैं, बार बार वैशाखी सरकार की बात कर रहे हैं, है? जो दो सरकार ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक गठबंधन है 3 दशकों से अधिक का समय का, और 3 पोल अलायंस है, वो सरकार को जनता जनार्दन ने अपना बहुमत दिया है, और जो आप गारंटी गारंटी की बात कर रहे हैं, वही गारंटी के व्यक्तित्व प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। तो आप सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और उसी सच को स्वीकार न कर पाने के नाते आपके सामने हताशा की स्थिति बनी हुई है। आप मुझे आप बताइए कि संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? बिल्कुल होती है। तो आपकी भूमिका, आप अपनी भूमिका का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करने से? लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, इस तब तो आप संविधान की बात करेंगे। वरुण जी, विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है, जो सदन है विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा है। आप हताश हैं, आप निराश हैं, आप परेशान हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जनता आपके साथ नहीं है, अकॉर्डिंग टू विशाल मिश्रा। देखिए, अब इस बात का तो कोई जवाब कोई है। अब मैं उनके अकॉर्डिंग टू विशाल मिश्रा, मैं अकॉर्डिंग टू विशाल मिश्रा जवाब भी नहीं दे सकता। जनता ने सबको सीटें दी है, 99 सीटें कांग्रेस को दी, चाहे 4 किसी को दियो चाहे 2 दियो, जनता ने चुना उनको, इसलिए आप किसी को नकार नहीं सकते। 240 आ गई तो बाकी सब नकार आए, ये मेरे समझ में नहीं आता। खैर, उस पर मैं नहीं जा रहा, विपक्ष का भी जिम्मेदारी है, पक्ष की भी जिम्मेदारी है सदन चलने का। लेकिन राहुल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता है सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र के, उन्होंने कहा था कि एक ज्वाइंट मैसेज जाना चाहिए सरकार का, विपक्ष का, युवाओं को एक भविष्य का खतरा नजर नहीं आया कि भाई आप चिंता मत करिए, सारा सदन जो है आपकी नीट की हो, सारी परीक्षाएं जो रद्द हुई आपके भविष्य की चिंता कर रहा है। तो एक जॉइंट स्टेटमेंट चला जाता 5 मिनट, नियम जो होते हैं वो सदन ही तय करता है, बिजनेस कमेटी तय करती है, तो वो आप उसको थोड़ा सा बदलाव करते, भाई 5 मिनट का एक जॉइंट स्टेटमेंट पूरा जो सदन है एक जारी कर देता है कि युवाओं तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सदन तुम्हारे साथ है और शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उसमें कितनी अच्छी बात राहुल गांधी जी ने कही, उसमें कोई आप बताइए मर्यादित बात थी कि नहीं, अच्छी बात थी कि नहीं? आपने देखा ओम बिरला जी, दीपेंद्र उड़जा 5 बार के सांसद को कह रहे बैठ जाओ, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, ये कोई लैंग्वेज होती है स्पीकर की? ऐसी जो मैंने कहा ना हठधर्मिता, रिजिडिटी, जो मानसिकता से बदलाव नहीं लाएंगे तो इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। अब 6 महीने चलेगी, 12 महीने चलेगी, तो भविष्य के गर्भ में इनके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सदन चलाने की बड़ी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो अपना रोल निभाए और देश की जो समस्या है उस पर चर्चा करे, इसीलिए सदन बना।